नमस्कार किसान भाई, अनमोल किसान के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाई, आज मैंने चने का फील्ड विजिट किया था, वो क्योंकि किसान की मांग थी कि मैं उस जाऊँ उसका फील्ड विजिट करूँ, ताकि कौन सी दवा छिड़कनी है, कौन सी नहीं छिड़कनी है, ये सलाह उसको दे सकूँ। तो किसान भाई, जैसे मैं उसके फील्ड में गया, उसके फील्ड में मैंने काली लटे और हरी लटे दिखाई दी। काली लटे जिनको स्पोडोप्टेरा कहते हैं, यानी कि फली छेदक बोला जाता है, और हरी लटे जिनको सेमिलोपर कहा जाता है। तो किसान भाई, ये प्रकोप जो जिसे आसमान में जब बादल होते हैं तो उस समय ये दिखाई देता है, तो इस कारण क्या है कि जो फली छेदक है वो लग जाती हैं लटे, और जो फसल है, क्योंकि अभी फ्लावरिंग अवस्था पे चल रही है, जैसे पॉड बनने लगेगा उसमें ये लटे घुस जाती है और फसल को काफ़ी नुकसान कर देती है। तो किसान भाई, जब मैंने उस फील्ड को अच्छे से विजिट किया, पहले तो आप कभी भी अपने खेत में जाए तो पहले उसके चारों तरफ घूम ले, उसके बाद में जो बीच का है उसमें भी देखे कि कहीं कितनी लटे लगी हुई है, क्योंकि कई बार क्या है कि थोड़ी बहुत लटे होती है जो हमको दिख जाती है और हम दवाई छिड़कने लग जाते हैं। तो पहले देख ले कि दवाई छिड़कने लायक लटे लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। तो किसान भाई हो, तो जो मैंने उसमें देखा उसके हिसाब से लटे काफ़ी लगी हुई थी, तो मैं उसी किसान के अलावा आप सबको भी ये सलाह देता हूँ कि आप कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनका स्प्रे करके आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्यूनाल पास होती है 25%, इसी तो क्यूनाल पास बहुत अच्छी दवा है, आप इसका स्प्रे करके भी जो लटे हैं उनसे, इल्लियाँ जो होती हैं उनसे अपनी फसल को बचा सकते हैं। दूसरी बात करें तो मोनोक्रोटोपोस होती है 36%, ये भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा बात करें प्रोपेनोपोस होती है 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4%। ये दवा काफ़ी सस्ती होती है और इसका किसान भाई अक्सर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो दवा दुकानदार हैं उनको ये अच्छा मुनाफा देती है, इस कारण वो इसको अपनी दुकान पे रखते भी हैं। अगली दवा की बात करें तो हम क्लोराइंट्रिनाप्रिनोल जो 18.5% होती है, इसको अगर हम ब्रांड नेम की बात करें तो कोराजन के नाम से भी जानते हैं, और भी कई कंपनियां हैं जो ये टेक्निकल है इसका ब्रांड बनाती हैं। इसके अलावा हम बात करें तो फ्लुबेंडामाइड होता है, अगर ब्रांड की बात करें तो बायर कंपनी बनाती है, फेम नाम से ये आता है। इसके अलावा अगर किसान भाई हम बात करें तो इंडोक्सकार्ब आती है 14.5%, तो ये बहुत अच्छी दवा है ये भी। इसके अलावा एसीपेट 75% है, और भी कई दवाएं आती है जिससे आप जो इल्लियां हैं उनसे अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो किसान भाई, यो अगर चने की फसल में आपकी इल्लियां लगी हुई है, चाहे वो हरी हो चाहे काली हो, तो जो दवाइयां मैंने बताई है इनका स्प्रे करके आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई, यो जो फ्लावरिंग स्टेज है उस पर कभी भी अपनी फसल में पानी मत देना, क्योंकि उससे नमी से क्या होता है कि जो फूल होते हैं वो मर जाते हैं। तो किसान भाई, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, राम राम।